जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बुढ़ापा पेंशन आय प्रमाण पत्र को लेकर के नई अपडेट आई है, जो कि अभी अभी हरियाणा सरकार में परिवार पहचान पत्र में अब आय को लेकर कर सकते हैं। ठीक हिंदी में समझाइए पूरी जानकारी। हरियाणा सरकार ने नागरिकों को परिवार पहचान पत्रों में इनकम में सुधार करने का ऑप्शन दे दिया है। जिन नागरिकों की किसी कारणवश गलत आय की जानकारी दी है तो वह अब इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी नागरिक को अपनी पारिवारिक आय त्रुटिवश ज़्यादा दिखाई जाती है तो वे इसे इनकम करने कम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट भी जारी कर दी गई है, पर जाकर रिपोर्ट ग्रवांश व क्लिक करके इसके बाद जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपनी इनकम का विवरण देना होगा। आवेदक चाहे तो साथ में अपने दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। विभाग द्वारा यह जानकारी सत्यापित करवाई जाएगी। अगर नागरिक द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई अलम में लाई जाएगी। नागरिकों से आग्रह है कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही PPP पोर्टल पर अपलोड करें और परिवार पहचान पत्र आय की जानकारी में सुधार न होने के कारण कई नागरिक सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब कोई भी नागरिक PPP में दिए विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें।